पप्पू यादव से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर इनके विरोध का आंदोलन तर्क क्या है और ये रणनीति आगे कहां तक किसान के चलने वाली है। पप्पू जी, हल लेकर आप आए हैं, किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, दो हफ्ते हो गए दिल्ली में, सरकार मान नहीं रही है उनकी मांगे, आप लोग क्या कैसे देख रहे हैं? बहुत क्लियर है, 3 घंटे में तय कानून, 3 घंटे में तय कानून क्यों, क्या कारण है ये जानना चाहता है पूरा देश। मजदूरों के खिलाफ आपको जमाखोरों के लिए कानून बनाने की जरूरत, अध्यादेश लाने की जरूरत क्यों थी? आप फिर अध्यादेश क्यों नहीं ला रहे हो? आप मेरे घर में पूंजीपति जुबरकर और गूगल के मालिक को ढुकाओगे? ये अलग बात है कि भारत बिहार में बटेदार सीमांत किसान ज्यादा है, दयारी मजदूर ज्यादा है, हमारे यहाँ कहीं मक्का, कहीं धान, कहीं गेहूं, कहीं गन्ना अलग है, वो उत्तर पश्चिम या पंजाब हरियाणा की स्थिति वो नहीं है, या तो गन्ना है या तो धान है, या तो धान है। हम बाढ़ और सुखाड़ में, हमको आपने जाति के जहर में पहले से डुबा दिया है और हम अपने अधिकार की बात बिहार में कम करते हैं। ये जो मजदूर का बेटा पॉलिटिशियन और पत्रकार होता है कि नहीं, व्यापारी होता है कि नहीं, किसान का बेटा होता है कि नहीं, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो बहुत बहुत क्लियर है, किसान चाहता है कि आप मंडी सिस्टम लागू करो, कोऑपरेटिव सिस्टम लागू करो, आप MSP का रिटर्न दो, किसान चाहता है कि आप जमाखोरों जिसका अधिकार नहीं था आप वो कानून लाए उसको वापस करो। हम अपने मूल्यों, अपने जो हमारी जो कीमत है मैं तय करूं, मंडी पर अधिपत मेरा हो, बिचौलिए दलाल से छुटकारा हो। मंडी तो खत्म कर दिया गया 2006 में, आप लोग 2020 में प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरा देश की मंडी का सवाल है। तब भी हमने पप्पू यादव पर लाठी चली थी जब ये कानून लाया था, अभी भी जब ये पहला कानून आया तो BJP ऑफिस में मेरे वर्कर मेरे MLA पर लाठी चली, आपको याद होगा सबसे पहला दिन। तो हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, किसान के साथ पूरे देश में हैं। 16 तारीख से अनिश्चितकालीन हमारी पार्टी धरना पर बैठेगी, 23 तारीख से किसान मजदूर रोजगार यात्रा हम लोग निकालेंगे और पूरी लड़ाई लड़ेंगे। MSP की जो बात आप लोग कर रहे हैं, किसान जो कर रहे हैं, एक तो बिहार में किसान सड़क पर दिखाई नहीं दे रहे हैं जिस तरीके से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में है, MSP पर तो वैसे ही खरीद नहीं हो रही है बिहार में, समझ में नहीं आता है। जब 85-90% किसान, 92% यहाँ सीमांत है, जिसको खेत और दरवाजे से ही आप खरीद बिचौलिया बेच लेता ले लेता है बहुत कम कीमत में, हमारे जैसे 100 बीघा, 50 बीघा, 200 बीघा वाला जमीन कम है। आप हमको जरा सा बताइए ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बहुत विनम्रता के साथ, हम अपने फसल को डंप करके तब हम बेचते हैं और आप कम दार किसानों का पूरा धान डंप है और 600-700 रुपये में भी खरीदारी नहीं होती है, पैक्स यहाँ पदाधिकारी और बिचौलियों के बीच है। तो आप इसको समझिए, हमारी परिस्थितियों को समझिए, हम यहाँ लोगों की बात कम करते, अपनी बात कम करते हैं, अपने फ्यूचर की बात कम करते हैं, पंजाब हरियाणा उत्तर पश्चिम अपनी बात, अपने फ्यूचर की बात करता है। तेजस्वी यादव आज कार्यक्रम में नहीं है, विरोध में दिल्ली गए हुए हैं। पूरे राजनीति ना करिए, सबको राइट है सब जगह रहने का, वो कौन कहाँ जाते हैं, पूरा देश किसानों के साथ खड़ा है। मैं सभी पार्टियों को धन्यवाद देता हूँ और देश की जनता को धन्यवाद देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ बिहार का किसान खड़े हो, अन्यथा इतिहास माफ नहीं करेगा। आइए, बिहार का किसान खड़ा हो, ये आह्वान कर रहे हैं पप्पू यादव, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।